मशीन से काटा गया है, मशीन से काट करके ठीक ना, और तब इसको दबा करके। अच्छा मतलब ताला ऐसा ही लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है या मशीन से कर लिया गया है? सीपीयू वगैरह था, एक कंप्यूटर यहाँ पर था तो भी चोरी कर लिया गया है, एक कंप्यूटर यहाँ पर था तो भी चोरी कर लिया गया है, एक कंप्यूटर यहाँ पर था। कुल हमारे पास 10 कंप्यूटर लगे हुए थे, 10 में 4 बचे हुए हैं, 6 कंप्यूटर चोरी है। पूरा बैटरी जो संपादन किया गया था 200 बैटरी चोरी कर लिया गया है, आपका सीपीयू चोरी कर लिया गया है, कीबोर्ड चोरी कर लिया गया है। था और उद्घाटन से पहले चोरी हो जाना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है। मैं अपील करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी से अपील है। नमस्कार। देखिए सरकार सुविधाएं देती है स्कूल में कि बच्चे बेहतर करें और मास्टर साहब लोग कहीं ना कहीं बेहतर पढ़ाएं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं रोजगार नहीं करेंगे, रोजी रोटी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बल्कि सरकारी संपत्ति को चुराएंगे, लूटेंगे, हड़पेंगे। अब सोच सकते हैं कि हम स्कूल के ग्राउंड में खड़ा होकर के चोर चुहाड़ों की बात क्यों कर रहे हैं। सोचिए, सोचना आपको पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार सुविधाएं दे देती है, यहाँ मास्टर साहब लोग हैं, मैडम लोग हैं, ये लोग पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए स्कूल में आते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं और आला अफसर अधिकारी तमाम चीज बनाएं, लेकिन बनते नहीं है। सरकार सुविधाएं देती है तो उसमें कुछ लोग आंख लगा देते हैं। रोड पे तो छीना छपटी आप सुने थे, मोटरसाइकिल पैसा चाकू दिखा के 917 दिखा के, लेकिन पहली बार आप सुनेंगे कि कहीं ना कहीं स्कूल से कंप्यूटर का चोरी होना। रास्ते से कोई छीन लेता तो अलग बात थी, लेकिन स्कूल में कंप्यूटर आ जाता है, और जब स्कूल में कंप्यूटर आ जाता है तो उसके बाद उस कंप्यूटर की चोरी कर ली जाती है। जैसे खरवास उतरता है ना, वैसे चोरी हो जाती है। खरवास भर नहीं होता है, लेकिन खरवास जैसे उतरता है, यानी कि 16 की मध्य रात को ये राष्ट्रीय मध्य विद्यालय तारी है जो कि अंचल रघुनाथपुर जिला सिवान, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्यूटर जो कि मैडम लोग के द्वारा और सर के द्वारा बताया जा रहा है कि 10 कंप्यूटर थे जिसकी चोरी कर ली गई। अभी देखिए बच्चे सब है, सब पढ़ेगा, अब पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के लोग की नॉलेज होगी, लेकिन कंप्यूटर के नॉलेज के पहले इनका नॉलेज छीन लिया गया और चोरी कर लिया गया। अब पुलिस प्रशासन खोजबीन में लगी हुई है, अब मैडम जी यहाँ के प्रिंसिपल है, उन्होंने FIR आवेदन दे दिया है कि कहीं ना कहीं इसमें जांच हो, और जांच हो तो कहीं ना कहीं जो चोरी किया है उसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार में 16 को चोरी होती है और आज हो गया आपका 19, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं मिली। सवाल खड़ा हो जाता है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि आखिरकार में पुलिस प्रशासन कर क्या रही है। यहाँ पे टारी में कब से मांग किया जा रहा है कि पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। शायद हुआ रहता तो कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ गश्ती करती, और गश्ती करती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्यूटर का चोरी नहीं होता। और ये आपका पैसा नहीं है, एक आदमी का पैसा से कंप्यूटर नहीं आया, बिहार के 12 करोड़ के जनता के टैक्स के पैसा से यहाँ कंप्यूटर आया था कि बच्चे पढ़े और उनका कहीं ना कहीं भविष्य बेहतर हो, लेकिन कुछ लोग का आंख लग गया, चोरी हो गया। और देखिए इस सब बच्चे पढ़ते हो किस क्लास में? 8 में। इसके बाद हाई स्कूल में जाओगे, बगले में हाई स्कूल है ना, कंप्यूटर के बारे में जानते हो? नहीं जानते। तो यहाँ कंप्यूटर आया था, चोरी हो गया, कब हुआ है? 17 को, 16 के रात को, 16 के रात को। अगर कंप्यूटर रहता, मास्टर साहब लोग पढ़ाते तो आप लोग का भविष्य बनता ना? बनता। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होता, ऐसे प्राइवेट में पढ़िएगा तो पैसा लेगा कंप्यूटर वाला, ऐसे तो नहीं पढ़ाएगा, पैसा लेके पढ़ाएगा। देखिए यहाँ कुछ बच्चियाँ हैं, इन लोगों से बात है, तो भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, बच्ची सब भाग रही है। किस क्लास में? 8 क्लास में। यहाँ कंप्यूटर आया था आपके स्कूल में, चोरी हो गया। अगर रहता है कंप्यूटर तो आप लोग कंप्यूटर, अभी कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज है कंप्यूटर क्या है? नहीं पता है। तो यहाँ अगर कंप्यूटर आता, मास्टर साहब लोग पढ़ाते तो आप लोग को नॉलेज होता कि कंप्यूटर क्या होता है, टैली क्या होता है, GPT क्या होता है, इत्यादि चीजें आपको बताई जाती ना, लेकिन उसके पहले चोरी हो गया ना। अब एक चीज बताओ, जब शिक्षा के मंदिर से जब चोरी हो जाता है तो आपका घर सुरक्षित है? नहीं है। देखिए बच्चों का साफ तौर पे कहना, आपको आइए सीधे तौर पे हम ऊपर लेकर चलते हैं जहाँ पे इस चोरी की गई, आपको दिखाते हैं।
मशीन से काटा है मशीन से काट करके और तब इसको दबा करके अच्छा मतलब ताला सही लगा है ताला लगा हुआ है या मशीन से काट दिया और फिर खुल गया ये वाला थोड़ा बंद करिए तो वाला बंद करिए तो सर देखिए कैसे चोर का दिमाग है यहाँ पे कंप्यूटर स्मार्ट के लगाया गया चोर स्मार्ट है कैसे चोरी करता है स्मार्ट से हम दिखा रहे हैं देखिए जो इसमें लगता है ना ये काट दिया अच्छा उसी को काट दिया तो दरवाजा खुल गया दरवाजा खुल गया खुला इसको काटा है और अच्छा ई ई ई ई जो हुआ है तो ताला वेल्डिंग कराए हैं पीछे से ये पीछे भी ब्लॉक है लेकिन इसको काट करके और भारी सामान इसको दबाया है नीचे चलता फैल गया है और ये खुल गया है। अब चलिए अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं कि अंदर में अभी फिलहाल ये सीकर आप देख रहे होंगे ये सीकर चोरी होने के बाद लगा है पहले नहीं लगा था चोरी होने के बाद लगा देखिए कैसे इसको टेढ़ा उड़ा कर दिया है खोलने की पूरा कोशिश किया नहीं खुला इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है और आइए अंदर से भी आपको दिखाते हैं एक और लॉक है इंटरलॉक लगा देखिए दिखाइए इंटरलॉक लगा है उसके बावजूद कैसे चोरी हो इंटरलॉक उसको दबाया है ना भारी कमान से हाँ। तो फैल गया फैल गया है ना। अब देखिए आइए आपको दिखाते हैं मीटर वीटर लगा हुआ है देखिए शिक्षा की बात कही जाती है शिक्षा तो बेहतर है मास्टर साहब को पढ़ाना चाहते हैं देखिए एचपी का एक लैपटॉप आया हुआ था बहुत बढ़िया ब्रांड है एक का लैपटॉप आया हुआ था देखिए ऊपर लगा हुआ है आप देख सकते हैं चोरी हो गया है अब देखिए एक एक सिस्टम यहाँ लगा हुआ है और एक कंप्यूटर यहाँ पर था एक कंप्यूटर यहाँ पर था पूरा इसके चोरी कर लिया गया है एक कंप्यूटर यहाँ पर था तो भी चोरी कर लिया गया है एक कंप्यूटर यहाँ पर था चोरी कर लिया गया है एक कंप्यूटर यहाँ पर था पूरा एक कंप्यूटर यहाँ पर था तो भी चोरी कर लिया गया है अच्छा ये काटा गया है मतलब पहले से था पहले से था ये कंप्यूटर छोड़ दिया है अच्छा ये छोड़ दिया है देखिए ये कंप्यूटर है छोड़ दिया है और पहले से था ये भी काट दिया देखिए वाला भी काट दिया आइए आइए इधर आइए एक कंप्यूटर बचा हुआ है ये कंप्यूटर बचा हुआ है तीन का बच्चा है नहीं नहीं कुल हमारे पास 10 कंप्यूटर लगे हुए थे 10 में 4 बचे हुए 6 कंप्यूटर चोरी है पूरा बैटरी जो समाधान किया गया था 200 बैटरी चोरी कर लिया गया है आपका सीपीयू चोरी कर लिया गया है कीबोर्ड चोरी कर लिया गया है माउस चोरी कर लिया गया है एक प्रिंटर सेट था उसको भी चोरी कर लिया गया है इन्वर्टर था वो भी चोरी कर लिया गया अच्छा हमारे साथ फुल मिलाकर फुल लागत अनुमान और मानक लगभग 4 लाख 4-5 लाख 4-5 लाख का सोचिए कि 4-5 लाख का संपत्ति है देखिए ये लोग देश को आजाद कराने में इनका बड़ा रोल रहा है देखिए सभी लोग है आई लोग के आँख के सामने ये लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार में देश को हम आजाद क्यों कराए जब आजाद में देश गुलाम है और शिक्षा के मंदिर से चोरी हो जाती है सोचिए शिक्षा का मंदिर सुरक्षित नहीं है तो आपका घर कैसे सुरक्षित है आपका रोड कैसे सुरक्षित होगा जहाँ देखिए यहाँ भी लोहा काटा गया है आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं लोहा काटा गया जिसमें आदमी निकल सकता है और निकल कर इसमें कंप्यूटर वगैरह निकाल सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं यहाँ एक छड़ दूगो छड़ था देख सकते हैं दूगो छड़ था जिसको कहीं ना कहीं काट लिया गया निकाल दिया गया साफ आप तस्वीरें देखिए आई ऊपर में सुभाष चंद्र बोस है
देखिए ये भी सोच रहे होंगे आखिरकार में कि इस देश को हम आजादी दिलाए, जिस देश में आज भी भ्रष्टाचार और चोरी का आलम यह है कि शिक्षा के मंदिर से चोरी हो रही है। यहाँ छे को कंप्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, बैटरी, इन्वर्टर, तमाम चीजें यानी मार्जन के हिसाब से कुल मिला करके 4-5 लाख रुपए की चोरी की गई है। सोचिए थाने में ऐसा लग रहा है कि चोरी करने जो चोर है ना, क्योंकि गाड़ी लेके आया होगा तभी इतना भारी सामान लेके आया है। बड़ी गाड़ी, हाँ बड़ी गाड़ी लेके आया था तभी, मैंने 10 बैटरी का वजन होता है, सारे सामान का वजन होता है, हाथ तो जाएगा नहीं। इसे लगता है कि वो रात के अंधेरे का फायदा उठाया है और बगल में खेत खलिहान है, गाड़ी लगाया है रोड पर और तभी ले गया सामान, इतना भारी सामान हाथ तो जाएंगे नहीं जा सकते। अच्छा मार्ट साहब एक बात और बता दें, 3 साल पहले बगल के जो बाउंड्री हाई स्कूल का है, हाई स्कूल में स्मार्ट कंप्यूटर लगा हुआ था, स्मार्ट क्लास चलते तो फिर भी वहाँ पर भी चोरी कर लिया गया पूरा सेट, बगल के बाउंड्री से लगा हुआ है, 3 साल पहले वहाँ भी चोरी हुआ था, फिर भी प्रशासन हम तो सुन ही देंगे कि हम सरकारी कर्मी है, लेकिन यदि उस चोरी से प्रशासन कुछ चीख ली होती तो ये घटना नहीं घटती। हकीकत है। अच्छा मतलब प्रशासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से यहाँ पर आया था, प्रशासन ने जांच किया कहा चोरी हुआ है, हमारा आवेदन लिया और हमने कहा कि अच्छा दर्ज कीजिए क्योंकि हमको सर्च अभियान डीपीओ को रिपोर्टिंग करना है, लेकिन अभी तक हमको एफ आई आर की कॉपी नहीं मिली कि हम डीपीओ को रिपोर्टिंग करते। अच्छा अभी तक नहीं मिली। हमने दिया था 17 तारीख 19 तारीख। देखिए आज 19 हो गया, पुलिस प्रशासन कितना ढीला है। पुलिस प्रशासन कहने के नीतीश कुमार जी आपसे कहेंगे कि शिक्षा के ऊपर जोर दे रहे हैं और ये कहा जाता है कि जब से बिहार में डीजीपी नए आए हैं आरएस भट्टी, तो सुनिए डीजीपी साहब कहीं ना कहीं आपके पुलिस प्रशासन इतनी चाक चौबंद व्यवस्था में है कि उसकी आंख के नीचे से यहाँ पे 6-6 कंप्यूटर, बैटरी, सीपीयू और तमाम चीजें 4-5 लाख की चोरी कर ली जाती है और अभी तक उसमें कोई सुराग नहीं मिलता है। घटना को अंजाम दिए हुए 48 घंटा से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक कोई इसमें कोई सुराग और इमारतल को अभी तक आवेदन की कॉपी नहीं मिली ताकि अपने ऊपर के अधिकारियों को दें और बताएं, क्योंकि इनको भी जवाब देना है कि आखिरकार में इनके स्कूल से चोरी हुआ तो कैसे हुआ, इनको भी जवाब देना है। और जब आवेदन देने ये गए तो आश्वासन मिला कि आपका जल्दी निराकरण किया जाएगा, लेकिन सोचिए निराकरण कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे इस स्कूल में सारा भी कितना दिन पहले लगा, सितंबर से प्रक्रिया शुरू हुआ, सितंबर में वायरिंग हुआ, अक्टूबर में मटेरियल आया, हम 26 जनवरी को इसका उद्घाटन करने वाले थे। अच्छा पढ़ाई नहीं करने वाले थे, छब्बीस जनवरी का मैं डेट रखा था कि पदाधिकारी को बुला करके जो क्षेत्र को बुला करके कराएंगे। थ्योरी पे क्लास चलता था, जो ऑपरेटर थे बच्चों को थ्योरी पढ़ाते थे, लेकिन प्रैक्टिकली हम 26 जनवरी के बाद शुरू करना देखिए 26 जनवरी के पहले उद्घाटन से पहले लाइव भी चोरी। लेकिन मार्ट से हम बेहतर कह दिए जो चीज हम कहने वाले थे, यानी कि आपके पढ़ने के पहले, आपके खाने के पहले, आपके घर के अनाज की चोरी। इसे बच्चा सपना लिया था कि 26 तारीख से हम लोग कंप्यूटर सीखेंगे, लेकिन 26 से पहले यानी उसके 10 दिन पहले चोरी कर ली जाती है। आज सोचिए चोर कहीं ना कहीं सामान को कहीं ना कहीं बेच बाच दिया होगा या स्थिर रखा होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लेती, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ जगिए, उठिए और यहाँ बड़ा बड़ा देखिए महात्मा गांधी है, नेहरू जी है, कहीं ना कहीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी, सभी लोग हैं, यहाँ पे फोटो लगा हुआ है और इसी कक्ष में चोरी हो रही है। सवाल खड़ा हो जाते हैं, लोग भी कहने में शर्म कर रहे होंगे, इन बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। सोचिए ये बच्चे भी सपना लिए होंगे कि हम कहीं ना कहीं बेहतर करेंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे। आज का समय कहीं ना कहीं डिजिटल हो चुका है, तो डिजिटल के माध्यम से सरकार चाहती है कि बेहतर करे, लेकिन कुछ लोग हैं कि बेहतर करने नहीं दे रहे हैं और ये बंद क्लास और ये एक ऊपर मतलब पालक ताला मकान है, ये ऊपर में ये भी नहीं कि नीचे है, फर्स्ट फ्लोर पे है और उसके बाद इसमें चोरी हो जाती है। सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार में पुलिस प्रशासन कर क्या रही है। सोचिए और मैं अपील करता हूँ जिले के एसपी साहब से कि कृपया कहीं ना कहीं आप संज्ञान में लेकर कर इस मामले को जांच कराइए और जांच करा कर कहीं ना कहीं यहाँ पे पुनः वही कंप्यूटर लगवाइए ताकि बच्चों का भविष्य सुनहरा हो और बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ने का मौका मिले और कंप्यूटर कहीं ना कहीं यहाँ पे लगे। मतलब क्या अपील करिएगा, अब नहीं कहेंगे हम, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इतना सुविधा दिया गया हमारे विद्यालय में, क्या और जगह भी दिया जा रहा है,
तो हम ये कहेंगे ना कि इतना संपत्ति विद्यालय में लगाने से पहले वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, गार्ड की व्यवस्था किया जाए। यदि गार्ड की व्यवस्था किया गया होता तो ये घटना नहीं होती। तो सरकार अपने पैसा तो खर्च कर रही है लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर रही। तो अपील करेंगे कि कहीं भी गवर्नमेंट यदि किसी संस्था में अपना संपत्ति खर्च कर रही है तो पहले वहाँ पर गार्ड की व्यवस्था कर ले, उसके बाद ही संपत्ति लगाए। तो देखिए मार्ट सैम बिल्कुल क्या पर्चे हुए मार्ट सैम? मेरा नाम है चंद्रशेखर प्रसाद, मैं विद्यालय का शिक्षक हूँ। शिक्षक है। देखिए चंद्रशेखर जी यानी चंद्रशेखर आजाद जो कि गोली अपनी खाकर अंग्रेजों की नहीं खाए और इस देश को कहने का आजाद दिलाने में अपनी अहम योगदान छोड़ करके गए, बिल्कुल मार्ट सैम उसी रोल में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बेहतर आवाज से बेहतर तरह से अपनी बात रख रहे हैं कि सही बात है, कंप्यूटर लगाने से पहले सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि अगर एक विद्यालय में हुआ है अन्य विद्यालय में भी ये घटना हो सकता है। ये नया नहीं, और इसके पहले मार्ट सैम जैसे बता रहे बगले में हाई स्कूल है, किसान मजदूर उच्च विद्यालय, यहाँ की 2 साल पहले चोरी हुआ था, उससे भी पुलिस प्रशासन सबक नहीं ली और देखिए कहीं ना कहीं उसमें जांच नहीं हुआ या फिर आज तक उसका पता नहीं चला और यहाँ बगले में दूसरा घटना को अंजाम दे दिया गया और यहाँ चोरी हो गया। सोचिए इतना कंप्यूटर यहाँ है। अच्छा मार्ट सैम को सवाल है कि तीन को कहाँ छोड़ दिया? ये तो समझ नहीं आ रहा है ना, चार हो सकता है कि रोड के किनारे कमरा, क्योंकि हम सुरक्षा को नजर में रखते हुए रोड के किनारे रखे थे और दूताला पर रखे हुए थे ताकि यहाँ पर मतलब और लोग की नजर पड़े। हो सकता है कि कहीं से उन लोग का आवाज या बगल के मोहल्ले वाले कुछ चुरा लिया होगा या कुछ भनक मिली होगी, छोटे भाग लिया होगा, लेकिन अपना जितना वजन चाहे इसमें का बैटरी इसमें का ले लिया। हाँ तो बैटरी ले लिया, खाली छोड़ दिया, फिर मोटर छोड़ा है, बाकी सब लेकर चला गया है। देख लीजिए यही वो कंप्यूटर है और 4 यहाँ पे कंप्यूटर है, शायद और यहाँ पे 6 कंप्यूटर था, टोटल 10 कंप्यूटर था। ये बॉक्स वॉक्स है, देख सकते हैं आप, इसमें का भी सब सामान वन सब गायब है, जो अंदर सामान होता है सब गायब है और यहाँ कुछ नहीं है। सोचिए कि आखिरकार में इस देश में और इस बिहार में और इस सिवान में और इस रघुनाथपुर में बीओ साहब क्या कर रहे हैं, बीडीओ साहब क्या कर रहे हैं? सवाल खड़ा हो जाता है बीडीओ साहब आपके ऊपर भी और आपके बीओ साहब के ऊपर भी। बीडीओ साहब या बीओ साहब आए थे दिया गया है और जहाँ तक उच्च अधिकारी की बात है तो हमसे मांगा गया है कि आप FIR की कॉपी लगाकर आवेदन दीजिए, तो FIR कॉपी तो हमें मिली नहीं, तो हमने अपने बीओ को सूचना कर दी है। बीओ साहब आए नहीं? देखिए बीओ साहब तो आना चाहिए, अगर आप आ जाते तो कहीं ना कहीं मास्टर साहब लोग का भी हौसला बुलंद हो जाता। और दूसरी चीज ये कि मास्टर साहब लोग भी कहीं ना कहीं सोचते कि प्रशासन से लेकर आला अधिकारी तक हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन शायद ये चीज हुआ नहीं और सबक नहीं सीखा गया, जिसकी एवज में बगले में 2 साल पहले चोरी हुआ और 16 की रात को यहाँ पे चोरी हो गया। सोचिए इतिहास क्या दोहरा रहा है और सवाल खड़ा कर रहा है कि शिक्षा के मंदिर में बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं जो गुंडे हैं, जो चोर हैं, वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं और इन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, जिससे बच्चे पढ़ सकते तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 26 को उद्घाटन था और उद्घाटन से पहले चोरी हो जाना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है। मैं अपील करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी से अपील है कि आपके घर का भी बच्चा कहीं पढ़ता होगा, आपके भी घर की बेटी बहने बच्चे कहीं पढ़ते होंगे, प्लीज इस वीडियो को फैलाइए और पहुंचाइए बिहार के मुखिया तक ताकि इस चीज को देखे और संज्ञान में लेकर के कहीं ना कहीं इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इन बच्चों का खोया हुआ सामान, मैं मास्टर साहब का सामान की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं स्कूल की बात कर रहा हूँ, बच्चों के सामान की बात कर रहा हूँ, उनके भविष्य की बात कर रहा हूँ, ताकि इनका भविष्य पुनः वापस आए और ये बच्चे कहीं ना कहीं आगे बढ़ सके। ये टारी से बच्चे बहुत सारे पढ़े हैं तो ऊपर ऊपर के अधिकारी बने हैं, प्लीज इसमें से कई बहुत सारे बच्चे बन सकते हैं, इनका भविष्य बिगाड़ा ना जाए बनाया जाए। एक शेयर करिए, आपकी शेयर कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने का काम करेंगे।